हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुबीर जॉन किचन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आ गए हैं हम एक झटपट क्विक और हेल्दी रेसिपी के साथ में, जो कि है चिली पनीर। चिली पनीर मैं बनाने जा रहा हूं सेमी ग्रेवी वाली। सामने हमारे पास में है कैप्सिकम, जो कि मैंने दो पीस लिए हैं, अप्रॉक्स 200 ग्राम्स होंगे, उनको मैंने डाइस में काट लिया है। मैंने प्याज भी दो लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने डाइस ही काट लिया है। और यहाँ पर मेरे पास में है स्प्रिंग ऑनियन, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। पनीर मैंने 200 ग्राम्स लिया है। बारीक कटा हुआ लहसुन है मेरे पास में, आप 7 से 8 कलियाँ ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन दूज के भी रख रखा है। और मेरे पास में है ब्लैक पेपर पाउडर। तो करते हैं रेसिपी की शुरुआत। सबसे पहले हम बनाएंगे पनीर के लिए कोटिंग। बने रहिए मेरे चैनल पे हमारे साथ में। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, रेसिपी सर्च करके आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलिए करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम्स पनीर। सबसे पहले मैं इसको करूँगा मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए मैं डालूँगा इसमें सॉल्ट। फ्रेंड्स, सॉल्ट का यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कम साइड पे डालिएगा, क्योंकि आगे भी हम लोग सॉल्ट यूज़ करेंगे और जो सॉस हम बनाएंगे उसमें भी सॉल्ट रहता है। सॉल्ट मैंने यहाँ कम साइड पे डाला है। अब मैं डालूंगा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। और मैं डालूंगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्रश किया हुआ है ये 1 चम्मच डाल रहा हूं मैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगा। इस मैरिनेशन को हम रखेंगे रेस्ट पे 10 से 20 मिनट्स के लिए। अगर आपके पास समय हो तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, आधे घंटे तक रख सकते हैं उसे। जब तक हमारा मैरिनेशन सेट होता है, रेस्ट पे रहता है, तब तक हम बना लेंगे चिली पनीर के लिए सॉस। सॉस के लिए मैं एक ग्लास बाउल में सबसे पहले पानी डालूंगा। पानी आप ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि मैं सेमी ग्रेवी वाला बना रहा हूँ, इसलिए पानी थोड़ा सा लिमिट में ही रखूँगा। पानी डालने के बाद मैं डालूँगा इसमें चिली सॉस, ये हम 2 चम्मच लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगा 1 चम्मच सोया सॉस और डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसे अच्छा सा मिक्स देंगे। और ध्यान रखिएगा कि लम्स ना बने। हो गया है हमारा सॉस तैयार। अब मैं अपना सीक्रेट बताऊंगा, जो कि मैं चिली पनीर बनाते हुए यूज करता हूँ। मैं इस सॉस में डालूंगा कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन। ये डालने से आपके सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, साथ ही में आपका पनीर का फ्लेवर बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, ये था मेरा सीक्रेट फार्मूला चिली पनीर बनाने का। इससे आपके सॉस का, चिली पनीर का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा एनहेंस होके आएगा। एक बार मेरा ये ट्रिक अपना के देखिएगा, आप याद करेंगे मुझे कि सुबीर भाई ने क्या रेसिपी बताई थी। सॉस बनते बनते हमारे पनीर को भी अच्छा खासा रेस्ट मिल गया है। इसको 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे हमारी पनीर पर लगाने वाली कोटिंग। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप मैदा लिया है और इसमें मैं डालूँगा 1/4 कप ऑफ कॉर्नफ्लावर। इन्हें अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, इसे अच्छा सा मिक्स देंगे। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। और अब हम इसको बैटर को बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि आपका जो बैटर है वो ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पनीर इसको पकड़ नहीं पाएगा। मुझे लगता है 1/2 कप पानी सफिशिएंट रहेगा।
सो फ्रेंड्स, कोटिंग में मैं डाल रहा हूँ चिली फ्लेक्स। ये थोड़ा सा आपको और ज़्यादा स्पाइसी फ्लेवर देगा एकदम से जब आप खाएंगे। जब मुंह में आएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे फूटेंगे वो। सो मैं ये पिज़्ज़ा के साथ जो आते हैं वो डाल रहा हूँ, अगर आपके पास है तो आप डालिए, वरना रेड चिली को मिक्स भी कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारी कोटिंग तैयार। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। अब करेंगे इसको मिक्स। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे हमारे पनीर फ्राई। तेल मैंने गरम करने चढ़ा दिया है और आंच आप थोड़ा सा मीडियम साइड पे ही रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पनीर की साइड चेंज करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर्क। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पनीर चिपक रहे हैं तो इनकी टेंशन मत लीजिए, ये थोड़े से होते हैं चिपकू हैं, ये बाद में अपने आप रिलीज हो जाएंगे जैसे उनमें स्टार्च डेवलप होगा। देखिए जैसे मैं पलटाते जा रहा हूँ वो खुलते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। तो पनीर हमारे यहाँ पर फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको एक अलग प्लेट में निकाल के रखेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए पनीर कितने अच्छे कोटेड हुए हैं और क्रिस्पी कोटिंग आ गई इन पे, गोल्डन क्रिस्पी कोटिंग। टेस्ट में बहुत यमी है ये, जिंजर और गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा उठ के आ रहा है। सो यहाँ हमने सेम कढ़ाई में जिसमें हमने पनीर तले थे उसी में हम आगे का प्रोसेस करेंगे, बट मैंने इसमें तेल कम कर दिया है, लिमिटेड रखा है जितना मुझे रिक्वायर है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन। सेकेंड नंबर पे हम इस पर डालेंगे ऑनियन क्यूब्स। अब हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम, अच्छे से मिक्स दीजिए इनको।
इन्हें हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, 2 से 3 मिनट सफिशेंट होगा ताकि कैप्सिकम का क्रंच मेंटेन रहे। सो यहाँ इसे पकते वक्त 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम डालेंगे सॉस। सॉस को एक बार मिक्स करते हुए डालिएगा ताकि जो कॉर्नफ्लोर नीचे बैठा है वो मिक्स हो जाए। चलिए, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है और अब हम डाल देंगे इसमें पनीर। फ्रेंड्स, आप मानेंगे ना माने, बाकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे आप होटल में जब जाते हैं, बैठते हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कुछ ऑर्डर करते हैं, जैसे ही उनके किचन का डोर खुलता है तो कैसी महक आती है, वैसे ही फील मैं कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। सो फ्रेंड, यहाँ हमारा डिलीशियस चिली पनीर बन के रेडी है। इसे मैं गार्निश करूँगा कटे हुए स्प्रिंग ऑनियन से। अब बोलिए, आ रही है ना फीलिंग बिल्कुल स्ट्रीट साइड के चिली पनीर की? गारंटी है मेरी आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इस रेसिपी को ट्राई करिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिए, लाइक बनता है इस रेसिपी के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे ये वीडियो ख़त्म होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसे ही लाजवाब टेस्टी रेसिपीज के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए सुबीर जॉन किचन के साथ।